I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. So hey guys, good afternoon and welcome back to the vlog. तो अभी हम लोग आए हुए हैं फिलहाल 55 ब्लॉक के पास सिटी मैम से मिलने के लिए, बिकॉज अगले मंथ से हम लोग का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है। आई गॉट द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेलेक्टेड इन BSNL। तो BSNL वाले बोले हैं कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन दो, कि लाइक प्रूफ्स दो कि तुम LP को स्टूडेंट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर में हो कि नहीं। तो वही सब डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए भी मैम से मिलने जा रहे हैं एंड सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे। एंड देन हम लोग को लाइक MOOC सर्टिफिकेशन भी चाहिए, बिकॉज CA में उतने कुछ लाइक तोड़ू फोड़ू मार्क्स नहीं आ रहे थे। तो मैम से बोले कि मैम ये MOOC सर्टिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, ये वाला सर्टिफिकेट लेना है कि नहीं। तो या फॉर दैट ऑल रीजंस चलते हैं मैम से, जल्दी से मिलते हैं। एंड अशर आगे निकल गया, मैं पीछे लाइक दो तीन टेक लेने के लिए यहाँ पर लाइक कट 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 करते करते वो अभी आगे पहुँच गए। तो लाइक कॉल करते हैं, जल्दी आगे पहुँचते हैं। I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. सो अभी फिलहाल कंपनी का नाम लिखा दिए हैं सर को, एंड सर बोले कि डॉक्यूमेंटेशन दो तीन दिन में तुमको मिल जाएगा। एंड तुमसे भी ये लाइक पेपर ऊपर साइन करवाना है कि तुम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, वहाँ पर ऐसा कंपनी का नाम रहेगा, पेरेंट का कंसर्न रहेगा, पेरेंट का सिग्नेचर रहेगा, तुम्हारा सिग्नेचर रहेगा। तो या क्वाइट अ गुड प्रोसेस इस मंथ। लाइक अभी क्या मई चल रहा है, तभी पूरा महीना एग्जाम चलेगा। एंड नेक्स्ट मंथ 2 जून से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टार्ट। हाँ सो अभी फिलहाल ईशा मैम से MOOC के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन MOOC का तो मैम बोलेगी कि वो तो हम कंफर्म करके अपना चेक वो करके तुमको बता देंगे। लेकिन मैम का जो CA में है ChatGPT से लिख के दिया था, मैं जो मैम पकड़ ली पता नहीं कैसे पकड़ ली, लाइक कोई समझ ही नहीं आया। मैम बोली कि हाँ तुमसे बात करना था, तुम्हारा असाइनमेंट सेम है। लाइक वो भाई साहब, लेकिन वो तो मैम का लैब चल रहा था इसलिए मैम बोली को हम तुम लोग से उस बारे में बाद में बात कर ले, लेकिन पकड़ा गया यार। इतना बार ChatGPT से असाइनमेंट बनाया, आज तक नहीं पकड़ा है। बड़ा हरामी हो बेटा। इस बार पता नहीं कैसे मैं कौन सा जादू टोना की, कौन सा चमत्कार की पकड़ ली। लेकिन कोई बात नहीं, अगर इसका MOOC ले लेंगे तो फिर असाइनमेंट क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन फालतू का फिर पता चल जाएगा यार, लाइक ऐसे ये असाइनमेंट लग जाता तो मार्क्स मिल जाता। लाइक ऐसे मैम को कन्विंस करने का ट्राई करेंगे कि नहीं मैम लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत लाइक टॉपिक सबका सेम ही है, तो असाइनमेंट है ChatGPT को। लेट्स सी क्या होता है। काम वाम तो हो गया, अब मैं चलते हैं। दो दिन से तो काफ़ी अच्छा खाना दे रहा है, तो देखते हैं कि इस बार भी लाइक आज लंच में अच्छा खाना हो तो भाई लाइक गर्दा हो जाएगा। सो अभी फिलहाल खाना ले लिए हैं, एंड टुडे रायता, सोयाबीन, राजमा, आलू का सब्जी, चिप्स, चावल, रोटी एंड अचार एंड पानी। सो अभी फिलहाल जल्दी से खाना खाते हैं एंड देन रूम की तरफ चलते हैं। सो अभी LPU में 7 दिन के लिए यूथ वाइब का फेस्ट चल रहा है। सदमा में कुछ ना कुछ इवेंट, कुछ ना कुछ कुछ प्रोग्राम हो रहा है एंड उसमें DL मिल रहा है। यानी जितने भी DL वाले हैं, जितने भी इवेंट्स का सब मेरे को नोटिफिकेशन तब आया जब ओवर हो चुका है। जैसे कि आज भी 10 से 1 था, लेकिन जब ओवर हो गया तब मेरे को पता चल रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट मैसेज व्हाट्सएप में डाल दोगे, ये सब LPU टच में डाल दोगे, लेकिन जितने भी फालतू सब मैसेज वो सब व्हाट्सएप में आ जाता है। तो अगर इसका भी अगर आज रहा था तो मैं जो आज तीन चार DL तो ईजिली मिल जाता। अब कल तो लाइक सबसे पहले सुबह उठ के तो 8 बजे ही उठ जाए, फिर रात का 12 बजे देख लो कि भाई कोई ऐसा कोई DL का सीन है तो वहाँ चल जाओ भाई, लाइक मस्त DL मिल जाएगा, अटेंडेंस और बढ़ जाएगा। लाइक अभी तो 92 है, लेकिन 99-100 हो जाएगा तो मस्त भाई पूरा 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे सब में।
तो अभी फिलहाल नीचे गए थे लॉन्ड्री से कपड़ा लाने के लिए, लेकिन 26 तारीख का कपड़ा तो मिल गया, लेकिन 19 तारीख का बैग पता नहीं वहाँ पर है ही नहीं। एक हफ्ता तो लग समय लगता है, जैसे कि 19 का था तो 19 से अब तक 26 तारीख को, हाँ 26 तारीख को वो कपड़ा आ जाता है, तो 26 से मैं 2-3 दिन लेट हो गया था। तो वहाँ पर तो 2-3 दिन मैंने लगे, एकदम देखा था कि 15 और 2 मतलब 2 फरवरी का कपड़ा वहाँ रखा हुआ था, फिर एक चौथा महीना का भी रखा हुआ था। तो यहाँ पर बस एक हफ्ता में तो ऐसा था कुछ होना चाहिए नहीं कि कपड़ा मिसप्लेस हो जाए, लेकिन फिर भी लॉन्ड्री वाले भैया बोले कि एक बार हम BS7 में जाकर देख लेते जहाँ कपड़ा वपड़ा धुलता है, अगर वहाँ मिल गया तो लाइक अच्छी बात है, होप फॉर दी बेस्ट। द मिस्टेक इज फ्रॉम माई एंड ओनली, लाइक कपड़ा मैं ले लिया था लेकिन जो स्लिप है वो देना मैं भूल गया था, तो कपड़ा कोई मिसप्लेस नहीं हुआ है, कपड़ा पूरा सेफ है मेरे ही पास है। सो अभी फिलहाल लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं, वो पिछले आधे घंटे से ऐसा नीचे मेरा वेट कर रहा था, लेकिन ये कपड़ा का मिसप्लेस की वजह से थोड़ा सा मैं लॉन्ड्री में चला गया, थोड़ा सा मैं रूम में चला गया, उन लोग कपड़ा ढूंढ रहे थे, मैं कपड़ा ढूंढा, कपड़ा ही नहीं मिल रहा था, एंड उसमें इतना समय हो गया कि ऐसा नीचे रह रह के इरिटेट हो गया, फिर वो गुस्सा होकर अकेले लाइब्रेरी चला गया। तो अभी जाते हैं उसको मनाते हैं एंड पढ़ाई करते हैं। अशय ने कहा था कि वो लाइब्रेरी पहुंच चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी तक वो नहीं आया है, मैं उससे पहले ही आ गया। सो नॉट टू वरी मच, ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं, जब तक वो आता है तब तक मैं अपना ये शॉर्ट्स एडिट कर लें, उसके बाद साथ में मिलकर पढ़ा लिखा जावा वो सीखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो तब तक एडिटिंग करते हैं एंड उसका वेट करते हैं। अभी फिलहाल लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद हम लोग जा रहे हैं आगे यूनिपोलिस के साइड, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाना छाना बन रहा है, जोर शोर से पूरा एंकरिंग हो रहा है, तो मैं एंड अशर साथ में जा रहे हैं यूनिपोलिस में देखने के लिए कि ऐसा क्या एक्साइटिंग चल रहा है। मे बी शायद यूथ वाइफ से रिलेटेड ही कुछ चल रहा होगा। यहाँ से देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, लाइटिंग वाइटिंग तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी फिलहाल वहाँ पर कॉन्सर्ट नहीं कह सकते हो, लेकिन उन लोग अपना खुद से गाना बजाकर नाच गाना कर रहे थे, एंड भाई आज का जो डीजे था वो उस दिन होना चाहिए, नहीं जो कल था डीजे नहीं भाई, मतलब जो अभी गाना बजाइए। हाँ ऐसा एक हम लोग ये सब कहाँ चलता है, इन लोग अपना अंग्रेजन गाना बजा देगा कैसे मजा आएगा। तो भाई आजकल ट्रेंड में जो है ट्रेंड में ये सब गाना, कभी आउट ऑफ ट्रेंड हुआ। अभी फिलहाल चलते हैं मैं खाना पीना खाते हैं एंड वापस हम लोग चलते हैं अपने लाइब्रेरी की तरफ पढ़ाई लिखाई करने। सो गाइस अभी फिलहाल लाइब्रेरी से पढ़ के 12 बजे रूम जा रहे हैं, ज़्यादा तो पढ़ नहीं पड़ा लेकिन कम से कम 10-20 मिनट तक इंस्टाग्राम में रील देखे एंड बाकी समय सच में जेन्युइन पढ़ाई की, लाइक कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़े, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई कैच फाइनल और भी मेथड, ये सब के बारे में, स्कैनर इनपुट, ये सब के बारे में, एक काफ़ी चीज़ के बारे में ऐसे हाँ अच्छा खासा पढ़ ली। एंड लास्ट में अशर ने काफ़ी एक फनी मीम दिखाला कि खुद सबसे पहले देखिए ये देखिए आज अकेले ही भाग गया, ये देखो इतना ज़्यादा फनी दिखा दे कि मैं जो आज खुद अकेले चला गया। लाइक अगर मे बी किसी को कॉन्टेक्स्ट समझ ना आए तो लाइक मैं इसको इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर जाऊँगा, लेकिन अगर शायद अगर तुम व्लॉग देख रहे हो तो 4 1 2 3 4 सो एंड करते हैं इस व्लॉग को, अब जाते हैं अपने रूम की तरफ, मिलते हैं कल या किसी और दिन किसी नए व्लॉग में। लेकिन लास्ट में भाई सच्चे बहुत मन करे बात बताने में, लेकिन फिर भी अच्छा 4 1 2 3 4 Bye-bye. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up, this is fucking awesome.